I think सब सो गए होंगे अभी तक तो चलते मैं ड्रेसिंग चेंज कर देती हूँ नहीं नहीं मैं ठीक हूँ मैं एक बार देख तो लेती हूँ अरे मैं कह रहा हूँ ना मैं सच में ठीक हूँ जानती हूँ कि तुम उदास हो तुम्हें ऑन फील्ड पोस्टिंग चाहिए थी और अब यहाँ भोपाल में रुकना पड़ेगा सुमन आज ये सब बातें करके मूड खराब नहीं करते मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ आज आज तुम्हारी लाइफ का इतना स्पेशल डे है इनफैक्ट हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए ठीक है हम दोनों अपने अड्डे पर चले सुमो स्पेशल एक्चुअली आज थोड़ा थक गया हूँ और नींद भी आ रही है कोई बात नहीं हम फिर कभी चलेंगे फ्रेश हो गया था तो तुम रोज रात को डिनर के बाद वॉक करते हो हाँ यही तो है हमारे फिटनेस का राज अरे अच्छे अच्छे बेहोश हो जाते हैं हमारी फिटनेस को देखकर हैं वो क्या कहते हैं लीन वर्कआउट हम कहते नहीं नहीं सही है मान रही हूँ मैं तुम्हारी बात वैसे अगर हमको कोई कह देता ना कि कंचन जी मतलब कंचन जी ने हमको तिवारी हाउस में डिनर के लिए इनवाइट किया है तो हम तो कह देते कि ऐसा हो ही नहीं सकता मतलब बतौलेबाजी के बिना एक लिमिट होती है अरे ऐसा क्यों बस हम भूत पर भी यकीन कर लेते इस पर शायद पर अब जब हालात बदल सकते हैं तो लोग क्यों नहीं और वैसे भी पिछले कुछ महीनों में तुमने हमारी बहुत हेल्प की है बंटी कोशिश करते रहते हैं बस वैसे थैंक यू फॉर डिनर ओ थैंक यू मुझे मत बोलो मम्मी को आई मीन उन्हीं का आइडिया था श्रवण और सुमन पार्टी में थे और मम्मी ने बोला कि बंटी को कभी इनवाइट नहीं किया डिनर पे तो बस अच्छा तो मतलब मम्मी जी ने मतलब आंटी जी का आंटी जी ने आइडिया दिया था जी हाँ वैसे खाना ठीक था हाँ तुम थोड़ी ना हमको ऐसे याद करोगी क्या कुछ नहीं बहुत अच्छा था बहुत टेस्टी बनाया था आंटी जी ने आंटी जी को भी हमारी तरफ से वो थैंक यू फॉर डिनर के देना श्योर अभी चलते हैं हम ओके गुड नाइट बंटी गुड नाइट थैंक्स फॉर कमिंग थैंक यू बाय मेरा आइडिया था तो थैंक यू मुझे बोलो जी थैंक यू आपका अभी भी यकीन नहीं होता कि ये सब सच में हुआ श्रवण और मैं एक हो गए जब डर लगता है कि कहीं सपना ना हो तो फौरन देखती हूँ उसे सोते हुए हमारे कमरे में हमारे घर में हमारी बनाई हुई अपनी छोटी सी दुनिया में
कई बार सोचती हूँ कि श्रवण को हमारी लाइफ में शायद पापा ही लेकर आए। उन्हीं के कहने पे तो आज मैं स्कूल आया था। आज जब सबके सामने मुझे लेफ्टिनेंट जनरल दुआ ने अपना एडीसी अपॉइंट किया तो ख्याल आया कि पापा यहाँ होते तो कितने खुश होते, कितना प्राउड फील करते। पर मैंने श्रवण को देखा और एहसास हुआ कि अब मेरे पास भी कोई और है जो वैसे ही मुझे एनकरेज करता है, प्राउड फील करता है। थैंक यू श्रवण, थैंक यू सो मच। चलो आओ श्रवण, अपनी ड्रेसिंग चेंज करवा लो, उसके बाद हॉट वाटर बॉटल से तुम्हारे पैर सेक लूं। आ जाओ। सुमन, आज कैंप में मेरा ऑफिशियली पहला दिन है, आज मैं लेट नहीं हो सकता, बाद में करती, ठीक है? नहीं होंगे बाबा, और वैसे भी कल रात को ड्रेसिंग चेंज नहीं करवाई थी तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा। बहाना नहीं है यार, मैं सच में लेट नहीं होना चाहता, और वैसे भी पानी गर्म होने में कितना वक्त लगेगा तुम्हें पता ही है। सब तैयार है जी, सुमन दीदी ने सुबह उठते ही हमें बता दिया था। प्लीज वापस आने की बात करें। अभी करेंगे, ताकि दिन भर तुम दर्द में ना रहो। दर्द तो एक कामयाब शादी का रीजन पता है क्या होता है? तब होता है जब एक पति अपनी पत्नी की बात सुनता है। अभी भी दुख रहा है? ज्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। श्रवण, कल तुम पार्टी में अपने सीईओ सर से मिले थे, कैसा रहा? यार एक मैंने ट्रांसफर की अर्जी डाली, अगर इसमें तुम्हारी मदद हो जाएगी तो मेरा काम जल्दी और बहुत आसानी से हो जाएगा। तुम अपने सीईओ को निराश नहीं करोगे? हाँ सब ठीक था। सुमन, तुमसे कुछ बात करनी थी। देखो लगा टाइम, एक काम करो, अब अपने पैर सेको और बताओ क्या कहना है तुम्हें। सुमन मैं वो झुमरी नाश्ता नहीं लगाया? माफ कीजिएगा भैया जी, हम अभी लगा देते हैं। कोई बात नहीं झुमरी जी, आप नाश्ता लगा लो, हम दोनों आते हैं। चलो सब, हम भी नाश्ता करके निकलते हैं। चलो अरे श्रवण और सुमन कहाँ हैं? बच्चे माँ बाप का नाम रोशन करें ना तो सीना और भी चौड़ा हो जाता। कमाल कर दिया बेटा, हमारी सुमन आर्मी में एडीसी। अरे मजाक है क्या? पुत्र मुझे तो बस इतना ही पता है कि ये पोस्ट बहुत बड़ी है और आसानी से मिलती नहीं है, पर तुझे मिली मैं बहुत खुश हूँ। खुशी तो होनी है जी, आर्मी तो बचपन से ही सपना था सुमन का। बिल्कुल विजय भाई साहब की तरह देश सेवा का जुनून, बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे वो तुम्हारी तरक्की देख के। जी आपने बताया नहीं मुझे कि एडीसी क्या होता है। आर्मी में जनरल के नीचे जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है ना वो होती है लेफ्टिनेंट जनरल की। अब लेफ्टिनेंट जनरल हर समस्या का समाधान तो कर नहीं सकता, तो उसे भी कोई चाहिए उसकी मदद करने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए, तो वो होता है एडीसी।
लेफ्टिनेंट जनरल का राइट हैंड मैन। अच्छा, तो लेफ्टिनेंट जनरल एडीसी से सलाह भी लेते हैं? सलाह भी लेते हैं, और अगर किसी सोल्जर की प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम को वो लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचाते हैं। हाँ, बहुत बड़ी पोस्ट है कविता। सही कहा ना बेटा मैंने? देखा, इस सिविलियन को भी तो थोड़ा बहुत आता है ना आर्मी के बारे में। और अब तो मुझे ये भी पता है कि बहुत बड़ी बड़ी सिफारिशें आने वाली हैं, कैसे हैंडल करोगी? सॉरी पापा, पर हमें तो घर पर यही सिखाया गया है बचपन से कि सिफारिश करना या सुनना दोनों उसूलों के खिलाफ है, इसलिए यही मेरे प्रिंसिपल्स हैं। अगर किसी को शॉर्टकट चाहिए तो मेरी साफ ना है। श्रवण, सॉरी, तुम कुछ कहना चाहते थे ना ऊपर? हाँ, वो एक्चुअली कुछ कुछ खास नहीं था। सुमन, मुझे लेट हो रहा था, अभी मैं निकलता हूँ। और तेरा नाश्ता? हाँ मम्मा, वो आज पहला दिन है ना, तो लेट नहीं हो सकता। तुम आराम से नाश्ता करके आओ ना, ठीक है? मैं चलता हूँ। ये भी कोई बात हुई क्या? दोनों को एक जगह जाना है ना मियाँ बीवी, इकट्ठे जाओ, दो मिनट में कोई लेट नहीं होगा। नाश्ता करके जाओ, पुत्र बैठ। नहीं मम्मा, एक्चुअली बहुत लेट हो रहा है, श्रवण का भी पहला दिन है और मेरी भी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है दुआ सर के साथ, बाद में खा लेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन खाली पेट नहीं जाओ। मैं तुम्हें दे देती हूँ, रास्ते में खा लेना। ठीक है, लाओ भाई, जल्दी लाओ। हाँ हाँ, बस अच्छे मोटे मोटे बनाए हैं झुंडे। गेट टू वर्क सोल्जर्स, बाय बाय। खा लेना लेकिन। हां, जय हिंद। जय हिंद। दूसरे वाले मेजर मल्होत्रा, कैसा जा रहा है पहला दिन ऑफिशियली? बहुत अच्छा जा रहा है सर। गुड, कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना। थैंक यू सर। थैंक यू कहने का मौका मुझे भी दो। कल कुछ काम बताया था, बात हुई मेजर सुमन से? एक्चुअली क्या ना सर कि... नहीं, मैं समझता हूँ, ऐसे अचानक बात करना मुश्किल है, तुम टाइम लो, बात होना लेकिन जरूरी है। मैं चलता हूँ, बात हो जाए तो मुझे बताना। यस सर। जय हिंद। जय हिंद। बड़ा एक्साइटेड लग रहा है लाइफ से, क्या हुआ? सब बढ़िया यार, बैठना। बस कर, रुलाएगा क्या? चल तो आज कैंटोनमेंट की सैर कराता हूँ, लोगों से इंट्रोड्यूस भी कराना है, आखिर उन्हें भी तो पता चले किसके फर्राटेदार किससे सुन रहे हैं मुझसे। चल। नहीं यार, मुझे कुछ जरूरी। अबे चल रहा है कि घसीट के ले जाऊं? बस वो। चल 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 चल। गुड गुड सुमन, वेरी गुड 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 गुड। दर्द कैसा है तुम्हारा? प्रैक्टिस कर पाओगे श्रवण? एक्चुअली मैं वही बताने आया था, पैर में दर्द थोड़ा ज्यादा है तो आज मैं भाग दौड़ नहीं कर पाऊंगा, और मुझे कहीं जाना भी है। श्रवण, मैं है अभी भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। हाँ तो ठीक है ना, तुम आराम से आ जाना, मुझे बंटी के साथ कुछ काम है, मैं वो निपटा लेता हूँ, और अच्छे से प्रैक्टिस करो, तुम्हें जीतना है मेजर। जीतने के लिए तो जान लगाते हैं। मेजर श्रवण सर, अब आपकी यूनिट को जरूरत है आपकी, तो स्पोर्ट्स प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। क्यों, क्या हुआ सर? आर्मी में इस साल से अब तक का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होने वाला है, और ये खबर मुझे दी है सुमन ने। एक्चुअली अभी अभी इनकी लेफ्टिनेंट जनरल दुआ के साथ मीटिंग खत्म हुई है, अब एडीसी हैं तो खबरें तो इनसे ही मिलेंगी।
इसलिए कह रहा हूं कि अगर जीतना है तो प्रैक्टिस शुरू कर लो। ठीक है सर, मैं ध्यान रखूंगा। तो मैं अभी चलता हूँ। जय हिंद। जय हिंद। तो मेजर सुमन तैयारी करें। जी सर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.